गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। जैसे कि आपने हमारे लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम देहरादून आए हैं और कल के ब्लॉग को हम एंड नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे, लेट भी बहुत हो गया था और महाराज जी भी कल मामा जी के घर पहुंच गए थे देहरादून। तो हमने कल रात को बहुत ज्यादा फन किया, बहुत एंजॉय किया और आज हम जा रहे हैं विकास नगर, क्योंकि जो मेन जो फंक्शन है वो विकास नगर में मामा के घर में ही होने वाला है। शेरकुला महाराज हमारे कुल देवता है और चालदा महाराज, जैसे कि सबको पता ही है, विश्व प्रसिद्ध है। चालदा महाराज जी के दोनों महाराज के डोरी वहां पर आ रहे हैं, तो गृह प्रवेश है मामा जी का, हम वहां जा रहे हैं आज और बहुत सारी मस्तियां करने वाले हैं। सारे रिलेटिव भी आ रहे हैं, मेरे मामा लोग हैं, मेरी मम्मा भी आई है, मेरी मासियां वगैरह सब लोग हैं, कजन्स हैं, सब लोग आज मिलने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। तो अभी हम रास्ते में आपको दिखाते हैं कि हम लोग है। फ्रेंड्स, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और मैं रेडी हो गया हूँ और पिंका भी तैयार होके बैठी है। तो कल रात को ब्लॉग, जैसे पिंका कह भी रहे थे कि ब्लॉग एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि महाराज का जब डोरिया है वहाँ पहुँचा था तो बहुत सारा काम भी था, बिजी भी हो गए थे हम भी और सभी लोग बिजी हो गए थे, तो शूट करने का टाइम ही नहीं लगा और अंधेरा भी हो गया था, थोड़ा संध्या के समय था, वो कुछ कैप्चर में ठीक से नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि कल ही करेंगे जब हम महाराज के दर्शन करवाएंगे, आपको भी और खुद भी करेंगे दर्शन अच्छे से। और दोनों ही डोरी हम पर पहुंच चुके हैं, एक देहरादून में थे, स्टे खड़ी धाम कहते हैं उसको, स्टे किया था महाराज ने यहाँ पे देहरादून पे मामा के घर पे, और एक महाराज ने दमोह माता का मंदिर पड़ता है जब हम अपने रोड विकास नगर वाले रोड से आते तो वहाँ पर स्टे किया था कल रात को। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, कल पिंका को बहुत ज़्यादा मिस हो रहा था जहाँ पर वो रहते थे, जिस घर में वो रहते थे देहरादून में। तो अभी यहाँ पर कोई नहीं था, भैया भी घर गए थे तो कोई नहीं था। कल हम आए यहाँ पर स्पेशली पिंका को बहुत ज़्यादा मिस हो रहा था, तो अभी देखिए पिंका आराम से बैठी है अपने बेड पे जहाँ पर ये पहले रहती थी मैरिज से पहले। फ्रेम देखिए गाइस, मेरी सारी कलेक्शन पिंका की है पूरी मेमोरीज के साथ, ये थोड़ा बहुत हम इसको एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ। मैं बहुत मिस करती हूं गाइस, बहुत ज्यादा। ये भैया का, हाँ, हम अपने घर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जैसे कि मेरे घर में तो भाई पिटाई होती होगी इनकी, है ना? नहीं होती, लेकिन जुड़ी है, मेरा रूम उधर है, मेरा बेड उधर है, सब कुछ, मेरी इतनी सारी मेमोरीज यहाँ पर है। तो मतलब कल आके मैं एक बार इमोशनल हो गई थी कि इतने टाइम बाद मैं अपने घर आई हूँ, बहुत अच्छा। काफी टाइम से बोल रहे थे कि मुझे जाना है अपने रूम में, और मेरा अभी जाने का भी यहाँ से मन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। रुक लो फिर, देहरादून रुक लो कुछ दिन। नहीं नहीं, चलते हैं क्योंकि भैया अभी यहाँ नहीं है, तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब याद आ रही है सबकी और मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही, तो मैं सोचू चले जाती हूँ अकेले अकेले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सबके बीच रहने की आदत थी, हमारी कितनी मेमोरीज है, पूरी फैमिली, भाभी, माही, भैया, मम्मा, सब लोग हम यहाँ रहते थे, मतलब एक एक कोने से यहाँ पर मेमोरी जुड़ी हुई है। तो गाइज आपको भी एक्सप्लोर करते हैं जो इनकी कलेक्शन है, पिंका की फोटोज है कुछ छोटे मोटे वो दिखाता हूँ। ये देखिए मैरिज की फोटो इनने यहाँ पर लगाई हुई है और थोड़ा सा इधर से एक्सप्लोर करते हैं, परे को इनका तो मन नहीं भाई उठने का। ये देखिए इसकी बेस्ट फ्रेंड है पिंका की, है डिम्पल, इनकी मेमोरीज, और ये जब शिमला आए थे पहली बार मुझसे मिलने तब की फोटो है। ये हरिद्वार की है और ये मेरे फादर इन लॉ। ये देखिए पिंका, देखिए हीरोइन, देखिए यहाँ और ये फेवरेट, माय फेवरेट कपल, भैया एंड भाभी, दोनों ही गोल गोल, ये पापा और चाचा पिंका के। ये अमित भैया की कुछ मेमोरी है होटल की। ये देखिए तीनों भाई बहन और ये सबसे प्यारी फोटो लगती मेरे को मम्मा की, ये सासू माँ की, और ये है कुछ और फोटो भैया और भाभी की। ये देखिए कौन सी टोपी डाली है भैया ने और कितने प्यारे लग रहे हैं। एक और ये फोटो अमित भैया की शादी की, और ये देखिए यहाँ पर गाइस हमारी शादी की एक बड़ी सी तस्वीर बनाई गई है पिंका के घर में। अब ले चलता हूँ मैं आपको सीधा पिंका के रूम, और ये होता था पिंका का रूम। मेरा बेड, मेरी बुक्स की शेल्फ, ये इनके बुक्स की शेल्फ थी इधर, इतना रूम था इनका, मेरा यहाँ पर ड्रेसिंग था, इधर हमारा पूजा रूम था जो कि अभी बहुत मैसी मैसी हो रखा है। ये पूजा रूम था, अब कोई नहीं रहता यहाँ पे इसलिए मैसी हो चुका है, और ये था। चलते बस है। लोग हमारा वेट कर रहे हैं सुबह से, पता नहीं कितने फोन आ गए, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। हाँ, बस चलते तो हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट होने का रीजन बता देती, क्योंकि मैं इस घर में आई हूँ तो मैंने भैया को आज सुबह कॉल करके बोला कि भाई
यहाँ पे सेटिंग बहुत खराब हो रखी है, मैं खुद से सेटिंग करने वाली, तो मैंने सारी सफाई करी है भैया के लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा भाई को भी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के घर, अमित की बहन के घर। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, सास और ससुर जी भी है, उनसे भी मिल गया, उनसे भी मिलेंगे, और दोनों सिस्टर इन लॉ भी है उनसे भी मिलेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे उनके साथ गप्पे शप्पे मार के फिर हम विकास नगर के लिए निकलेंगे। क्यों अमित, मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बताना चाहती हूँ। कल जब इनको मैंने कॉल करके बुलाया कि मामा के घर आ जाओ, ये अपने घर रूम चले गए थे और मैं मामा के घर चली गई थी क्योंकि सब लोग वहाँ थे, तो मामा जी ने भी इनको कॉल किया और मैंने भी किया कि आ जाओ आप, महाराज जी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जनाब इतने तेज हैं, इन्हें पूरा रास्ता पता था कि कहाँ जाना है और, लेकिन मुझे इतना परेशान किया इन्होंने फोन करके, कहाँ है बेटू, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों ऐसे करते हैं यार, मेरा दिमाग खा लिया पूरा। मैं वहाँ पे एक्चुअली मुझे पता नहीं था यार, आपको सब पता था, बिल्कुल सही पते पे आए, सही रास्ते पे आ रहे थे और जानबूझ के ऐसे नाटक करते, ये मुझे ऐसे परेशान करते हैं। नहीं नहीं उधर ना बाग वहाँ तक मैं आ ही जाता, बट जो परे का था ना, कहाँ का, तो आप आए तो बिल्कुल सही थे, नहीं सही तो आए थे एकदम वहीं पे, नहीं तो अंदर का जो मैं रास्ता ना भी वो तो मैं भी भूल जाऊंगा। जी इतने झूठे हैं ना, इतने बड़े झूठे हैं, तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी अब, ये बस मेरे को परेशान करने का मौका चाहिए बस। मैं सबके साथ बैठी हूँ, आपने ये फोन करके बोल, कहाँ है, मैं भूल गया हूँ, क्या है यार, कहाँ है रास्ता, और बाहर के बाहर ही जनाब खड़े हैं, बताओ ऐसे कौन करता है यार, ऐसे करते हैं हम यार। आगे दिन कहीं चले गए हम, कहीं आगे दिन चले गए कहीं, अब फिर मुझे परेशान करने लग गया, जो कि पता है कल तो खुद आया था ना इसी रास्ते में, पता नहीं चलता ना यार तुम्हारे शहर में, हम छोटे मोटे शहर के आदमी। वाह, अब हम सोनवर मोना से विदाई ले रहे हैं, चलते हैं। अरे शिमला आ जा तुम दोनों कभी घूमने हैं, यार बिना बिना बुलाए भाई, ब्लॉग में बोल रहा भैया ने, अब आ जाओ है ना, अब तो सबूत है, अब तो ये भी नहीं बोल पाएंगे आपने नहीं बोला। अरे खुलवा रहा गेट तो, हमारे गवाह है। ये देखिए हम शिमला से नंगे पैर आए हैं और शिमला भी वापस नंगे पैर जा रहे हैं। चलो बाय 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 बाय, हम जा रहे हैं, तुम भी आना हमारे शिमला। किस करो ये देखो बाय बहन भैया, वो वेट कर रहे हैं पीछे गाड़ी। बाय बाय गाइस, अभी हम सबको बाय बाय बोल के विकास नगर के लिए निकल चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मोना सोनू सास जी ससुर जी को हमने रूम में बाय बाय बोल दिया है। कैसा लग रहा है अमित, बुरा बुरा है? पास से सातो जन्म तेरे मैं साथ रहूंगा यार। चलते चलते गोलगप्पे वाले देख के पिंकी को, तो कहाँ छूटेगा गोलगप्पे, कहाँ छोड़ेगी लड़की। तो ही बनना गोलगप्पे के लिए अब टूट गई लड़की, तो मुझे तो नहीं खाने, मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है फास्ट फूड वगैरह, बट शादी के बाद मैं भी बहुत चटपटा हो गया हूँ, जैसे चाउमीन मोमो वगैरह मुझे भी अब पसंद होते हैं, खाता हूँ जब भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाते रहती पिंकी, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर करके थोड़ा टेस्ट अब मुझे बचना होता है। चलो देखता है एक आधा गोलगप्पा मैं भी खा ही लेता हूँ, हम भी टेस्ट कर लेते हैं गोलगप्पा, गोलगप्पे का मज़ा लेते हैं। देखिए गाइस, तीन दिन से नंगे पैर ही घूम रहे हैं, गाड़ी नंगे पैर चला रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये भाई यहाँ पर गोलगप्पा की शॉप ट्रॉली शॉप है। कैसा है गोलगप्पा पहले बता, बहुत अच्छा है। चल दो चार बोलो फिर मैं खा ही देता हूँ, कितने खाओगे और अब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा सारे खाओगे। मतलब मैं खाऊंगी सारे। तो गाइस यहाँ पर देखिए, अभी हम घर पहुँचने से पहले पहले पिंक का कुछ अपना डेंटिंग पेंटिंग टचअप गाइस, क्योंकि मैंने गोलगप्पे खा लिए तो मेरी लिपस्टिक उतर गई थी, इसलिए लिपस्टिक लगा रही। लिपस्टिक लगा रहे हो, अच्छा पता नहीं क्या रहता है इनको ना, बहुत ज्यादा ही है ना, और हम देखिए लड़के ना परसों के पहने हुए और नंगे पैर है, जैसे मर्जी है जो है सो ठीक है।
रफ एंड। गाइस मामू के घर पहुंच चुके हैं हम लोग, आगे पीछे मम्मी को चुके हैं विकास नगर। ये है मामा ने घर बनाया जिसका गृह प्रवेश होना है अभी। ये मामा ही अभी टेंट उंट लगा रहे हैं यहाँ पर। ये कितना सुंदर बनाएगा, देखना लॉबी कितनी अच्छी होगी इसकी, है ना? लॉन बनेगा, वही बोल रहा ना लॉन। वाह, ये देखिए यहाँ पर स्पेशली तुलसी का पौधा लगाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है घर को। गाड़ी पार्किंग हो जाए जगह जरा, है ना? 3-4-5-6 गाड़ी आ सकती है आराम से पार्क। एंट्रेंस ये है, लो चश्मे जैसे। वाओ, चल चल चमड़े तो हम पहनते ही नहीं कुछ नहीं। अरे झुकाओ, मेरी पीठ झुकाओ जाएगा, ऐसे कर लो एक बार, सब नमस्ते, है ना? गाइस ये हो चुका है, ये ड्राइंग रूम भी है और हवन होगा यहाँ पे। चलो एक्सप्लोर करो भैया, ये बेडरूम दिखाओ जरा। अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ये देख रहा बोल रहा था ना यहाँ पे, बस ऐसे कर दे। क्या हाल चाल है? ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का ये बेडरूम एक है और इसके बाद एक किचन इस साइड, एक बेडरूम एक फ्रंट में है, ये एक बेडरूम ही है और इस बेडरूम यह है एक छोटा सा बाथरूम कमरा भी। इसमें सील लगी हुई है क्योंकि महाराज जी आ रहे तो इसमें कोई बाथरूम में ना जाए। एक बेडरूम ये है, बाथरूम एक बेडरूम ये है, इसमें रहेंगे महाराज। एक बेडरूम ये देखिए, महाराज के आने की पूरी पूरी तैयारियां हो चुकी है यहाँ पे। ये अलमीरा वगैरह बनी है, ड्रॉस, सेपरेट बाथरूम भी है इसमें। एक और रूम, एक दो तीन रूम ऊपर है, तीन रूम और सेपरेट बाथरूम है सब में, ना? तीन बेडरूम सब में सेपरेट है और इसमें कॉमन वॉशरूम है बाहर का। ये लॉबी है यार, छोटी सी लॉबी है और एक ये बाहर यहाँ पे पूजा रूम है एक अलग से। ये पूजा रूम ना, वाह यहाँ मंदिर लगेगा इस, यहाँ सामने ही अडूला और शानदार गजब। ये देखिए यहाँ पे ये खाने खाने के लिए टेबल लग गए और ये ब्यूटीफुल नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तेलपुर ना, ये तेलपुर का नजारा। अच्छा ये रास्ता नीचे देख लिया ना, बैक साइड से आएंगे ना। अच्छा सीधे ऊपर ही आएगा महाराज यहीं से, है ना? आज ऊपर नहीं जा सकते कोई, महाराज रहेंगे ना भैया। महाराज तो अभी बाद में आएगा ना, नीचे ये स्टेयर्स है, आ जाओ ऊपर ना भी जा सकते गाइस, इसके ऊपर ना लास्ट फ्लोर पे। गाइस हम आ चुके हैं विकास नगर के फॉरएवर स्विमिंग पूल में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे भाई ने मुझे टोपी पहना दी है और ये सब लोग यहाँ पर, अमित, शिवानी, आंचल और रही भाभी, राज, अरुण, तरुण, सब लोग स्विमिंग पूल में कूद चुके हैं और मस्ती कर रहे हैं और मैं सबके कपड़े लेके बैठी हूँ यहाँ पर। इनको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो एकदम से घूम गए। देखो ये देखो ये देखो, बस
ये हमारे राज भाई मोटापे की दुकान। मार मार डाई मार डाई मार चले गरम। अमित अपनी सालियों को खींचते हुए पानी में ले जा रहे हैं इनको। हाँ लेके जा रही है इनको। महाराज को मामू ने अपने दोनों ही डोरी अपने हाथों में लेके अब यहाँ से सीधे ही ऊपर ही जाएंगे। मेरी चप्पल ना कोई लगा दे ना शीशु। बस कर रहे हैं यहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है पर अभी महाराज को यहाँ पर अंदर ले जा रहा है। जय हो महाराज कर ले ले जय हो। आगे आगे चलना अब आगे चलना अंदर नहीं जा सकते क्यों। महाराज अंदर यहाँ से जाएंगे क्योंकि दरवाजा नहीं लांगते ना तो इसलिए यहाँ से बाहर से। मुंडवासी लो डाल दे Thank you.
महाराज की। लाइट ऑन करो अंदर की। जय महाराज। Thank you.